जी बाबा। हाँ आज गर्ल्स हॉस्टल के सामने ड्यूटी लगी है बाबा। सरकारी नौकरी है, करना तो पड़ेगा ना। बहुत होगी ड्यूटी, चल चल। छोड़ो, कौन हो तुम लोग? रुको, तुम्हारी तो छोड़ना पड़ेगा, वरना इसके चक्कर में हम पकड़े जाएंगे। ये दोनों पुलिस वाली इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। फेंक इसको बाहर, फेंक। ठीक है, उठाना पुलिस वाली है, ये ना सही, दूसरी पुलिस वाली सही। छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़। पुष्पा जी उतरी, उतरी, जल्दी उतरी। आप ठीक तो हैं? ठीक तो है। कौन कौन थे ये लोग? कौन थे? नहीं जानती कौन थे ये लोग, बस उन्हें कहते हुए सुना कि उनका टारगेट पुलिस वाली। टारगेट पुलिस वाली? मैं कम इन सर। अरे आई आई मिस मलिक। जय हिंद सर। जय। सर आपने बुलाया हमें? हाँ बुलाया था आपको। देखिए ये न्यूज देखिए। देश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। शायद इसीलिए महिला पुलिस फोर्स का गठन किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पर अगर उसी महिला फोर्स की खुद की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो क्या होगा हमारे देश में महिला सुरक्षा अभियान का? बाबुलपुर की ताजी घटना में ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल मोनिका की असफल अपहरण का प्रकरण क्या हमारे देश की महिला सुरक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं उठाता? आइए देखते हैं क्या कहती हैं कांस्टेबल मोनिका। जी ये सच है, जो भी अपहरण करने आए थे उनका टारगेट महिला पुलिस कर्मी ही थी, मैं नहीं तो कोई और। पर वो किडनैप सर, ये सब महिला पुलिस कर्मी को ही करने निकले थे। हम सब जानते हैं कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि महिला फोर्स के लिए महिला कैंडिडेट्स की भर्ती हो रही है। जी सर हम अच्छे से जानते हैं, इनफैक्ट इस बार का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, बहुत सी महिलाएं फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सारी महिलाएं पहुंची थी। लेकिन ये मोनिका के अपहरण प्रयास वाली घटना ने सबका मनोबल गिरा के रख दिया। सारी महिला कैंडिडेट्स में अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। जानती है इसका परिणाम क्या हुआ मिस मलिक? आधी से ज्यादा महिला कैंडिडेट्स ने अगले चरण में जाने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। क्या? जी हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा है मिस मलिक कि ऐसी परिस्थिति में विभाग करे तो क्या करे। आप तो अच्छी तरह से जानती है कि हमारे विभाग में महिला पुलिस कर्मियों की कितनी कमी है। ऊपर से ये बवाल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानती है क्या होगा, सारे थानों से महिलाएं गायब हो जाएंगी और खाली थानों का खर्चा सरकार क्यों उठाएगी, बताइए भला। सर लेकिन अगर थाने ही बंद हो गए तो इससे तो मनोबल और भी ज्यादा टूट जाएगा। इसमें तीन महिला कैंडिडेट्स के डिटेल्स हैं, जिन्होंने ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपना नाम वापस नहीं लिया। अब मैं आए? हाँ हाँ। ये तीन लड़कियां नहीं, महिला थानों के भविष्य की आखिरी उम्मीद है। अगर ये लड़कियां भी वापस चली गई तो जानती हैं क्या होगा, महिला थानों के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ जाएगा। यकीन मानिए हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते, इसीलिए इन लड़कियों को हम आपके महिला थाने पर भेज रहे हैं। इन्हें ट्रेनिंग दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, इनके अंदर सुरक्षा की भावना सुनिश्चित कीजिए। देखिए मिस मलिक, हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए जिम्मेदारी का काम हम आपको सौंप रहे हैं। संक्षेप में कहें तो महिला थानों का भविष्य आपके हाथ में है। जी सर, हम आज इन तीनों लड़कियों को थाने बुलाएंगे और तुरंत इनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सर ये लड़कियां दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनेंगी, इन्हें देखकर शहर की सभी महिलाएं फोर्स ज्वाइन करना चाहेंगी। सर ये हमारा आपसे वादा है।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है भाई। शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद। आपके कहने का मतलब है मैडम सर, विभाग ने जो 3 लड़कियां भेजी है, अगर वो यहाँ से वापस जाती है तो हमारा महिला पुलिस थाना बंद हो जाएगा? डीएसपी सर इशारा तो इसी तरफ कर रहे थे, कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? या तो ये थाना किसी मेल पुलिस स्टेशन में तब्दील कर देंगे या फिर थाना बंद कर देंगे। नहीं, फिर ये तो ढकी छुपी धमकी हुई ना पुष्पा जी। वो डीएसपी हैं, उन्हें धमकी ही देने की क्या जरूरत है? वो एक ऑर्डर पास करेंगे और ये थाना बंद हो जाएगा। हमें लगता है उन्होंने ये एक मौका दिया है हमें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये थाना बचा रहे। मैडम सर, मैं दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होने का भी रिस्क ले ही नहीं सकती। यहाँ पे तो चलो वो नल का प्रॉब्लम है ना, दूसरे क्वार्टर में पता चलेगा टंकी नहीं है तो? बाप रे बाप, ये प्यास भरा मासूमियत। संतोष जी, हमारे क्वार्टर में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कसम से। हमारे यहाँ ना चापाकल बोरिंग है, 24 घंटा पानी आता है। थाना बंद होने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात का डिस्कशन है। फिलहाल मुद्दे पर आइए। ये 3 लड़कियां, ये 3 कैंडिडेट्स, इनमें से कोई भी बैकआउट नहीं करना चाहिए। इन्हें फोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर करना है, ताकि आगे जाकर ये लड़कियां शहर की बाकी लड़कियों को इंस्पायर कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे पास एक मौका है इस थाने को बचाने का, जो हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। क्लियर? क्लियर मैम। ओके, संतोष शर्मा। हमारी पहली कैंडिडेट आरना अवस्थी, 20 साल की है, मैरिड नहीं है, ये ओरिजिनली बनारस से है। करिश्मा सिंह, ये आपके अंडर रहेंगी। नेक्स्ट आलिया रहमान, 21 साल की है, शादीशुदा है, ओरिजिनली ये लखनऊ से ही है। संतोष शर्मा, ये आपके अंडर रहेंगे। जी। नेक्स्ट और फाइनली कियारा पनवार, ये भी 21 साल की है, मेरठ से है, और इन्हें ट्रेनिंग हम देंगे। पुष्पा जी। जी मैडम। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आप हमारे थाने की सबसे पुरानी और सबसे तजुर्बेदार मेंबर है। अगर इन लड़कियों को कुछ भी सिखाने में हम चूक जाते हैं तो वो आप सिखाएंगे। इतने भी पुराने नहीं है हम मैडम सर, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। बच्चा भी क्या है पुष्पा जी। वैसे वैसे उम्र के हिसाब से तो हमारी वो तो तीनों सहेलियां ही हुई ना। थोड़ा हम सिखाएंगे, थोड़ा हम उनसे सीख लेंगे। एनीवेज, तजुर्बा कहता है हमारा कि सिखाने वाला सीखने वाले से कुछ ना कुछ तो सीख ही लेता है। तो चलिए थोड़ा सा सिखाएं, थोड़ा सा सीखें। गुड लक। सबको पता है क्या करना है? जी जी मैडम सर। ओके, केस की तरफ बढ़ते हैं। करिश्मा सिंह, नंबर प्लेट से कुछ पता चला? मैडम सर, वो फर्जी है। ऑफ कोर्स, जानते थे हम। वैसे मैडम सर, हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा, ये पड़ताल का गति हमको ज्यादा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग बीएन का निशाना महिला पुलिसकर्मी है, तो हमें कुछ ना कुछ तैयारी करके रखना पड़ेगा मैडम सर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह। इनफैक्ट जब तक ये 3 लड़कियां हमारे साथ ट्रेनिंग पर हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, इन्हें महफूज रखना बहुत जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी है। क्लियर? जी मैडम सर। जी। अरे आंख में क्या डालकर चल रहा है कि नो एंट्री का इतना बड़ा बोर्ड दिखाई नहीं दिया तुमको, रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा दिया, छाती पर चढ़ जाओ हमरे, इतना जाम लगा दिया यार तुम, पूरा जाम लगा दिया, निकल गाड़ी निकल। समझ में क्या करके रखा है? करके चलो अभी आप, अब देखो पीछे। अरे भाई रुको, भाई रुको, दिख नहीं रहा इतना ट्रैफिक है, क्यों आगे बढ़ रहे हो? यहाँ पे गाड़ी पार्क करोगे और चल के घर पे जाओगे? इतना ही जल्दी रहता है तो राजधानी एक्सप्रेस में क्यों नहीं चले जाते हो, रॉन्ग साइड में घुसा? और नहीं तो क्या, कोई भी नहीं सुनता। अरे हॉर्न मत बजाओ, जाओ ना, हॉर्न मारो ना प्लीज, जाओ। ये तो वही है संतोष शर्मा जिनसे हमें ट्रेनिंग लेनी है, इन्हीं से तो मिलने जा रहे हैं हम महिला थाने। अच्छा? हाँ। चीते, हम क्या सोच रहे हैं, अब अगर दिन भर यही खड़े रहना है तो फिर क्यों ना यहाँ सब्जी का ठेला लगाए, थोड़ी सी ऊपर की आमदनी भी होगी। कहाँ आजकल पुलिस की वेतन में गुजारा होता है बताओ। किसी लाइफ है ना हमारी, दिन भर बस धूप में धक्के खाओ, लंच में हवा खाओ और डिनर में पेन किलर खाओ। हाँ, और जरा सी गड़बड़ हुई नहीं कि आ ही जाती है महारानी चाबी घुमाते हुए डांटने। मत मारो ना, हॉर्न मत बजाओ। हाँ, पुलिस वाली, तुम तो मेरा दर्द समझ सकती हो, तुम पुलिस वाली हो, अब बताओ पुलिस की नौकरी इजी होती करना? बिल्कुल भी इजी नहीं होती है ना। आलिया रहमान, 21 साल की है, शादीशुदा है, ओरिजिनली ये लखनऊ से ही है। संतोष शर्मा, ये आपके अंडर रहेंगे। पिते, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द है मेरी क्वार्टर का नल,
पूरा दिन बस काम करना होता है। और पता है क्वार्टर का नल ठीक कराने के लिए कहूँ ना संतोष, सरकार क्या कहता है कि बजट नहीं है उनके पास क्वार्टर का नल ठीक कराने का। आप बताओ इजी होती, आपको इजी लगती? बिल्कुल भी नहीं लगती ना, आप ही मेरा दर्द समझ सकते हो। धूप में इतना काम करना पड़ता है, पूरा दिन चिकचिके ड्यूटी पे है ना, रहने दो। नहीं नहीं फोन शायद मैडम सर का हो फोन। अरे बात तो कर, बात कर। सन तुझे अपने मासूमियत पर ब्रेक लगाइए। आप जिस लड़की के सामने पुलिस वालों के नौकरी की बेइज्जती कर रही है ना, ये वही लड़की है जिसको मैडम सर आपके पास भेजी है ट्रेनिंग के लिए, आलिया रहमान। अभी जो बोला ऐसा लोगों को लगता है, सच नहीं है ये, है ना पुष्पा जी? पुलिस की जॉब बहुत अच्छी है। मैडम मैडम बहुत ज्यादा अच्छा है पुलिस का। हम तो बताए, हम इतना ज्यादा खुशकिस्मत आदमी है कि हम सोते हुए भी हम मुस्कुराते रहते हैं ये नौकरी पाके। ना, क्यों पुष्पा जी? थाने के अंदर बोर हो जाते हैं तो सड़क पे आ जाते हैं ट्रैफिक में। हाँ। और फिर जब यहाँ बोर हो जाते हैं तो वापस थाने में चले जाते हैं ड्यूटी करने के लिए। मजा ही मजा एकदम। मैम हम आलिया रहमान, आपके नए ट्रेनी जी। मैम ये हमारे हस्बैंड एआर रहमान। एआर रहमान? हाँ। नहीं अब्दुल रहीम रहमान। अब मैडम ने बताया था आपके बारे में, हम आपसे मिलने आ रहे थे। आपको यहाँ रास्ते में देखा तो हमने सोचा कि यहीं पे मिल लेते हैं। आप आइए, हम चाय पीते हैं। आइए रहमान, सर लगता है काम हो गया, आज हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। एक पुलिस वाली को तो हम आज उठा कर ही रहेंगे। जी सर। भाभी दो ना। चिपक गया। अरे वाह ए बिल्ले, अरे देखना कितनी अच्छी न्यूज आई है आज। अरे ठूस ठूस कर समोसा खाने वाले के बाल जो कुछ बचे हैं वो साफ हो जाते हैं। आते कैसे हैं? सबको अभी पेपर पढ़ना है, जब हम पेपर पढ़ रहे हैं। जहर दो भाभी, एक और दो ना। क्या चाहिए तुमको? चाय चाय। ओ बिल्ले, अरे तुझे क्या लगता है, अरे इस थाने में जो एक लड़की आने वाली है ट्रेनिंग के लिए, उसकी आइडल कौन होगी और वो किसके जैसी बनना चाहेगी? कोई शक ही नहीं, 100% मैडम सर की तरह ही होंगे। हाँ, अपने थाने से डंडे हट जाएंगे, फूलों की दुकान सजेगी और पिटाई की जगह मिठाई होंगी। वाओ, हर तरफ जज्बात जज्बात जज्बात। और एक तो तुम्हारा ना थाने में रहना बंद कराना पड़ेगा हमको, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पास करते हो तो। नहीं चलने देंगे हम ये जज्बातों का जो जहर है ना, ये महिला पुलिस फोर्स में नहीं चलने देंगे हम। उनको सिखाएंगे लात का इंसाफ, ऐसा ना मजबूत सिपाही बनाएंगे हम उनको। उनको बताएंगे कि कैसे डंडा के जोर पे ऐसा मुजरिमों को सीधा किया जाता है, हाथ जोड़ कर नहीं हाथ तोड़ कर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा मैडम जी, हमें करिश्मा बताइए जी। हम अन्ना अन्ना अवस्थी ट्रेनिंग के लिए आए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप हैं वो नया ट्रेनी अन्ना अवस्थी जी? मैडम आइए बैठिए, आपका शुरुआत करते हैं जहर की आदत डालने से जी। मैडम हम कुछ समझे नहीं। अभी बदनाम के हाथ का चाय पियोगी तो फिर सब समझ जाओगी। वैसे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारे जैसी जोशीली और जवान लड़कियां पुलिस फोर्स ज्वाइन करती है। समय बदल रहा है, लगता है कुछ अच्छा होगा पुलिस फोर्स में। अच्छा, पुलिस ट्रेनिंग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मुजरिमों का इलाज, घूसा मुक्का और लात। पहले तोड़ो फिर फोड़ो फिर पूछो गुनाह का किया, का समझी? नाम क्या बताया अपना? कियारा कहते हैं मुझे, मेरठ से हूँ। मेरठ नाम तो सुना ही होगा आपने। वैसे मेरठ के लोग ना बहुत शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कोई बुद्धि घुमा देना तो लाठी बजाते टाइम नहीं लगाते, गिरा गिरा के मारते हैं। लेकिन मैडम जी दिल के इतने बढ़िया होते हैं ना कि मारते भी है ना अस्पताल के सामने। तो कियारा, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, हर जगह नंबर वन, इम्प्रेसिव। तो फिर एक बात बताओ, हमारे देश के कुछ एरियाज का क्राइम ग्राफ इतना बढ़ा हुआ क्यों है? लाठी नहीं बजाएंगे ना वहाँ पे ठीक से। हमारे यहाँ ना एक पुरानी कहावत है जी, जिसका लाठी
उसका हुक्का, जिसका हुक्का उसका सिक्का। मतलब लाठी वाले का ना राज चलता है इस दुनिया में। ऐसी जगह ना पुलिस को दबा के लाठी बजाने चाहिए इन मुजरिमों पे, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। ओके, लेकिन हमारे विचार इस मामले में थोड़े से अलग है। हमें ऐसा लगता है कि जज्बात से असली सुधार लाए जा सकते हैं। किसी भी इंसान के अंदर जाकर उस इंसान को अगर बदल दिया जाए जज्बातों के जरिए, तो उसकी बुराई अपने आप खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व। हम भी तो वही कह रहे हैं मैडम, इन मुजरिमों को तोड़कर दोबारा बनाने से इंसान बनेंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि पुलिस को थोड़ा सा जज्बाती होना चाहिए? जज्बात का अपना असर है। ओ, ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। पियो। यही जहर का हम बात कर रहे थे। वैसे तुम हमारा बात समझी? मैडम हम अभी भी कुछ नहीं समझे। बिल्ले। हाँ। पहले मैं बहुत बढ़िया चोर हुआ करता था। हमारी चोरी की दुनिया में मेरा बहुत बड़ा नाम था। बैग में नहीं आया वरना मैं तो आगरा गया था ताजमहल चुराने। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में करिश्मा मैडम आई फरिश्ता बनकर, और उन्होंने मुझे पटक पटक कर गिरा गिरा कर धोया, निचोड़ा और सुखाने डाला। तब से इनका एक फोटो मैं अपने पर्स में रखता हूँ। जब भी कभी मन करता है चोरी करने का, पर्स से फोटो निकालकर चुपके से देख लेता हूँ, फिर चोरी करने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ, पर गांधी जी तो ये कहते हैं ना कि पापी को नहीं पाप को खत्म करना चाहिए। आंख के बदले आंख, ऐसे तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना मैडम। हमारा तो ये मानना है कि अपराधी को अगर सुधारना हो तो उसके अंतरात्मा की अशुद्धि को खत्म करना चाहिए, उसे प्रेम करना सिखाना चाहिए, उसे जीवन का मूल्य सिखाना चाहिए, है ना मैडम? गलत एड्रेस पर आ गई हो तुम। अंदर हसीना मैडम मिलेगी, जाओ उनसे जाकर मिलो, उन्हीं के टाइप की हो तुम, जाइए। हसीना मैडम, हम आपको क्या बताएं, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। उन्हीं से तो हम इंस्पायर होकर पुलिस फोर्स में आए हैं। वो हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी आइडल है। हमको ना बिल्कुल उनकी जैसा ही बनना है। जी ऐसा है ना मैडम, करिश्मा मैडम हमारी आइडल है, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। वो क्या बोलते हैं उनके बारे में, दरोगा जी देखा तो बहुत लेकिन तुमसा ना देखा। अब अचानक लाठी छोड़ के ठंडी लस्सी बनने में टाइम तो लगेगा ना मैडम जी। सही जगह आई हैं। अच्छा एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, शहर में ना एक गैंग सक्रिय घूम रहा है जो महिला पुलिस कर्मियों को उठा रहा है, तो तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा, मतलब ऐसे बदमाशों से बच के रहना होगा। हाँ जाइए। जी मैडम। जज्बात जज्बात। तुमको पता नहीं तुमने किसको पकड़ा है? करिश्मा जी की सास है हम, अगर उनको पता चल गया ना तो फाड़ के खा जाएगी, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। चेता रहे तुमको हम। अरे हमारे कोई हाथ तो खोलो, आंखें तो खोलो, कोई है हाथ तो खोलो हमारे। बम 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 बम। किधर भाग रहे हैं? फालतू कुछ मिट्टी में मिल रहा है। अरे पुष्पा जी। पुष्पा जी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, हमारे हाथ तो खोलो आंखें तो खोलो। अरे हाँ पुष्पा जी, कौन है वो चपड़ जिसने आपके हाथ बांधे हैं? बताओ। अरे पुष्पा जी क्या हो गया? क्या देख के भागे फालतू? अरे बदनाम तुम भी शुरू हो गए। अरे हम तो तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के हैं, बॉम क्या कह रहे हो हमें? अरे पुष्पा जी आपकी बात सच है, वो आप बहन है। अरे लेकिन आपके शरीर में जो बॉम बदाम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा वो क्या? हाँ।
संतोष जी आए हेल्पर। आइए, मैं आपका हेल्पर हूँ। पुष्पा जी किधर हैं? पुष्पा जी दिखाई नहीं दे रहे। पुष्पा, वो उनका अपॉइंटमेंट था ना? कौन सा अपॉइंटमेंट? कैसा? एक सेकेंड, कुछ हुआ है पुष्पा जी को? झज्जू के पास। झज्जू कैसा डॉक्टर है? हमने तो नहीं, कैसा डॉक्टर है ये झज्जू? डॉक्टर नहीं, झज्जू गोलगप्पे वाला है? हाँ, वो गोलगप्पे खाने गई है क्योंकि आज आलू टिक्की फ्री मिल रही है इसलिए। बताओ, गोलगप्पा खाने के लिए भी अब पुष्पा जी अपॉइंटमेंट लेती है? फोन करो पुष्पा जी को, तत्काल में बुलाओ, बोलो मैडम सर ने उनको तत्काल में बुलाया। फोन करो, जल्दी करो। पर मैडम सर ने कब बुलाया मैडम? अम्मा, झूठ बोलना है, झूठ बोलकर उनको बुलाना है। बहुत बड़ा बात नहीं कह दी है तुमको, बुलाओ आप। पर मैडम, गांधी जी कहते थे कि सत्य, अहिंसा और प्रेम जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, और हमारा अनुभव कहता है कि हमें सत्य का ही साथ देना चाहिए। मैडम, क्या है ना कि आपका जो मूल मंत्र है ना, उसको थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए। क्या है कि पुष्पा जी को बुलाना है, और उनको बुलाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फोन कीजिए। कीजिए। और वैसे भी महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति है, आजकल कहाँ उनके जैसा लोग होते हैं। पहले का टाइम कुछ और था और अब का टाइम कुछ और है, तो अपना काम कराने के लिए ना थोड़े बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। बोलो। हाँ हाँ, बोल रही हूँ। कब बोलोगी? कब बोलना है? 100% अग्री करती हूँ आरना जी से, बिल्कुल सही कह रही है ये। थैंक यू। सत्य और ईमानदारी, यही तो दो तरीके जीने के। हमारे पुलिस फोर्स का भी तो पहला स्लोगन यही है ना, सत्यमेव जयते। जान छूटे तो छूटे, ईमानदारी का दामन ना छूटे। मैडम 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 क्या हुआ? पुष्पा जी बोल यार। पुष्पा जी को क्या हुआ? पुष्पा जी को कोई बम लगा दिया है। चलो चलो। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, माँ, पुष्पा जी, माँ, नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 रुकिए, हवा हवा हमारे पास मत आना, वो नहीं बम फट जाएगा। एक मिनट, ये कैसे हुआ पुष्पा जी? क्या हुआ? ये किसने किया? कब हुआ ये? बॉम्ब स्क्वाड को फोन लगाओ तुरंत। फोन दे भी लौटे। हम जज्जू के डीए पर गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे थे, पता नहीं कहाँ से एक वैन आ गई, हमें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर हमारे शरीर पर ये बम बांध दिया और हमें यहाँ उतार गए। ऑन द वे है मैडम। ओके, कहाँ जरूरत था आपको गोलगप्पा खाने का? गोलगप्पा खा के ना गोलगप्पा हो गई हैं आप। हाँ, कितना मोटी आएंगी खा के? हमको साथ लेकर नहीं आ सकती थी? अकेले जाने का क्या जरूरत था ये सब? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उन्हें हम बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हाँ हाँ, बोलिए, हमें बोलिए, सारी मन की भड़ास निकाल दीजिए, बस एक बार इससे बाहर निकल जाए, फिर आपको बताते हैं। मेरे एक मिनट, सब शांत हो जाइए। फोन की आवाज कहाँ से आ रही? ये आवाज मैडम से, ये बॉम्ब फटने से पहले वाली आवाज। बॉम्ब फटना नहीं, बॉम्ब फटने नहीं, 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 नहीं। पुष्पा जी के पास आ रही आवाज। पुष्पा जी, आपके फोन से आवाज आ रही है ये? मगर ये हमारे फोन का रिंगटोन नहीं, हमारे फोन नहीं बज रहा है। किडनैपर, ये किडनैपर का फोन हो सकता है, कोई हमारे बीच नहीं आएगा, क्लियर? मैडम सर, कोई नहीं आएगा। मैडम सर, संभाल के, आराम से बॉम्ब निकलना। पुष्पा जी हिलना बंद करिए। पुष्पा जी हिलना बंद करिए, मत हिलिए आप, मत हिलिए, फट जाएगा ये। मैडम सर, हमारे हाथ भी खोल दीजिए। नहीं नहीं, हाथ नहीं खोल सकते। कौन सा वायर किस चीज से कनेक्टेड है हमें नहीं पता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, हम हैं। बिल्कुल भी मत हिलेगा। पुष्पा जी मत हिलिए। पुष्पा जी, ये देखिए, ये वायर आपके हाथ से कनेक्टेड है। फोन निकला, बॉम्ब नहीं निकला। पुष्पा जी, हाथ मत खोलेगा। हेलो, हसीना मलिक जी, कैसे मिजाज है आपके? कौन? दोस्ती समझिए, अ गुड फ्रेंड हसीना जी। अगर दुश्मन होता तो बॉम्ब लगाया नहीं होता, उड़ा दिया होता। आपकी जो कॉन्स्टेबल है उसके चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने आपके कॉन्स्टेबल पुष्पा जी को ही क्यों उठाया, क्योंकि उन्होंने कल रात को हमारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। वो क्या है ना मैडम, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, इस हाथ ले उस हाथ दे। अगर आपकी कमजोरी हमारे हाथ में नहीं होती तो हमें वो कैसे मिलता जो हमें आपसे चाहिए? क्या चाहते हो तुम?
नदीम अजीज है हमारे, लखनऊ जेल में है, उन्हें आजाद करना चाहते हैं। 8 घंटे आपके पास। नदीम को हमारे हवाले कीजिए या फिर आपके कांस्टेबल की अर्थी कफन की तैयारी कीजिए। पर हाँ, कोई फिल्मी खुराफाती करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, उस बॉम्ब का रिमोट हमारे हाथ में है। वहां कोई हीरो बनने की कोशिश करेगा या बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो या इस रिमोट का बटन दब जाएगा और आपकी प्यारी सी पुष्पा जी बूम, और ये फोन जिसपे आपकी और हमारी गुफ्तगू चल रही है वो आपके कांस्टेबल के पास ही रहेगा, ताकि आपकी और हमारी बातचीत में ना कोई खलल ना आए। वक्त कम है और बिसात के लिए बहुत कुछ लगा है हसीना जी, तो भूलना मत, तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है। तुम क्या बेवकूफ हो, जाहिल हो? डिमांड रखने से पहले सोच तो लेते कि क्या मांग रहे हो। अक्कल है कि नहीं तुम्हें? ए! आवाज नीचे, जो तुम डिमांड कर रहे हो वो नहीं हो सकता है। हम बस एक SHO हैं, हम किसी टेररिस्ट को फ्री नहीं करवा सकते किसी जेल से। दिमाग है इसलिए तुम्हें चुना है हसीना मलिक। क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्या है तुम्हारे पास, वर्ल्ड फेमस जादू की छड़ी? उस जादू की छड़ी को घुमाओ और मेरे भाई को उस कैद खाने से बाहर निकालो। देखो हमारी बात सुन। हेलो हेलो, मैडम सर क्या कह रहे हो? मैडम सर कौन था? शांत 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 हो जाइए। ये वही किडनैपर था, नदीम नाम का कोई टेररिस्ट है। वो चाहता है कि हम उसे जेल से फ्री करवाएं। वो यहीं लखनऊ के किसी जेल में है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो पुष्पा जी का बॉम्ब अभी के अभी डिफ्यूज कर देगा, क्योंकि रिमोट उसके हाथ में है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या बाप का राजा के बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा? जमीन खोद के जमीन में गाड़ देंगे, और नहीं गाड़ना तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। देखिए देखिए, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए पुष्पा जी? आप विपरीत परिस्थितियों में संयम बनाकर चलना चाहिए, एकाग्रता से ही मुश्किल का हल निकलता है। हमें मैडम सर पर पूरा भरोसा है, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, आपको कुछ नहीं होगा। अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। क्या कर रहे हो तुम दोनों? बैठिए बैठिए, तुम बॉम्ब स्क्वाड से कोऑर्डिनेट करो। हम कह रहे थे हमने देखा ही क्या है जिंदगी में। ओके एवरीवन अलर्ट, करिश्मा सिंह दोनों एरियाज को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दीजिए, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। खास तौर पर मीडिया, हम इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकते। करिश्मा सिंह जी जाइए जाइए, ब्लॉक करिए, कम ऑन कम ऑन, हरी अप, जाइए 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 जाइए। पुष्पा जी बैठिए आप एक जगह, आपको एक जगह बैठना ही होगा। संतोष शर्मा हमारी बात ध्यान से सुनिए, हम थोड़ी देर में किडनैपर को फिर से फोन करेंगे, ठीक है? जब तक हम फोन कर रहे हैं तब तक आप तैयारी कीजिए, जैसे ही हम कॉल करेंगे आप उसका कॉल ट्रेस करेंगे, उसका लोकेशन ट्रैक करेंगे, क्लियर? जी जाइए जाइए, तैयारी कीजिए, जाइए, गो रन। पुष्पा जी शांत, कुछ नहीं होगा आपको। पीछे हटिए, सब पीछे हटिए, बॉम्ब है, फटेगा तो सब फट जाएंगे। तुम जाके वहां का भीड़ संभालो, जाओ चीते संभालो, जाके भीड़ संभालो। ठीक है मैडम। मैं तुमको अलग से बोलना पड़ेगा का, हाँ जाइए ना। अरे मैडम हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? अरे मैडम पुष्पा जी का चाय पीने का मूड हुआ तो बताइए तब क्या पिलाए, और बिरयानी खाने का मन किया तो हम नहीं जाएंगे। आप लात मारिए, थप्पड़ मारिए, लेकिन तकलीफ आपको है ना, उनके हाथ में भटकती रही तो। बिल्ले कम बोलो, हमारे सर पे मत खड़े रहो, पीछे जा, पीछे जाके। माँ तुम क्या हमारे पीछे पीछे रेंगती रहती हो? तुमको भीड़ संभालने के लिए बोला था ना हमने। वो मैडम गांधी जी कहते थे कि अगर हिंसा का साथ दिया जाए तुम्हारी मैया की। हम पुलिस वाले हैं, समझिए हमारी बात को, हम हिंसा नहीं, इसको ड्यूटी, इसको फर्ज कहते हैं। हम सबका जान बचाना, सबका जान बचाने के लिए इसको इसको ड्यूटी करना पड़ता है, समझिए बल प्रयोग करना पड़ता है। जाओ जाके संभालो भीड़ को। जी मैडम। हेलो, 10-10 मिनट करके 1 घंटा हो गया, आप कब आएंगे? पुष्पा जी का जान खतरे में है, समझ में आ रही है आपको बात? हाँ नहीं 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 नहीं, वहां से आपको लेफ्ट लेना, हम लेफ्ट लीजिए, हम दिख जाएंगे आपको। हाँ जल्दी आइए, कृपया करके साइड हो जाइए, उधर उधर साइड में, कृपया करके भाग यहाँ से, निकलो, बम है वहां पे, फट जाएगा, सब जाओ यहाँ से, जाओ सब यहाँ से। मैडम तुम इतनी छुई मुई हो तो पुलिस फोर्स का ज्वाइन किया तुमने, बताओ हमको, घर जाओ, मेहंदी लगाओ, खाना खाओ, खेलो। भाई साहब हमारे साथ आइए, संभालो संभालो, चलिए चलो चलो चलो, जल्दी चलिए। पुष्पा जी टेंशन मत लीजिए, आ गए,
चले चले। हमारी जान बचाई है, हमारी जान बचाई है। अगर फोन सैटेलाइट है तो रिंग बचते ही जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है वो सारी चेक करेंगे। कोई भी मूवमेंट होगा, कोई भी एक्टिविटी होगा, पूरा फोकस यहाँ पे, और उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करके फोन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। आलिया तुम ड्यूटी पर हो, पुष्पा जी को बचाना ज्यादा जरूरी है, फोकस। मैडम सर मैं रेडी हूँ जी, आप कॉल कर सकती हैं। सिंपल सी बात है, वैसे तो हम जवाब जानते हैं, पर आपके मुंह से सुनने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, हमें मंजूर है। सुनकर खुशी हुई। हाँ, हम तुम्हारे आदमी को जेल से निकालेंगे और खुद लेकर आएंगे, ठीक है? कोई सैटेलाइट मूवमेंट नहीं, पर मैडम सर का तो फोन चल रहा है, ये क्या? देखो, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसे करने में हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बहुत कुछ करना होगा हमें, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। भागो भागो, जल्दी जाओ यहां से। मैडम 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 उधर छिपे छिपे छिपे, जितनी भी गाड़ी है सब जाके चेक करो, किसी में भी विस्फोटक हो सकता है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैडम सर नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हमें बहुत डर लग रहा है, अगला नंबर हमारा हुआ तो। जी कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं। हमने कहा था हसीना मलिक, जस्ट वन क्लिक। क्या साला का नजराना, तुम्हारा दिमाग खराब है? हम तुम्हारी सारी डिमांड मान तो रहे थे, तो क्या जरूरत थी ब्लास्ट करने की? एक बहुत पुरानी कहावत है, सांप ना भी काटे तो भी फन दिखाकर डराकर जरूर रखता है, ताकि खौफ बना रहे, लोगों को याद रहे कि अगर गलती से भी उसे छेड़ने की कोशिश की तो वो जान भी ले सकता है। बहुत सिंपल सी बात है हसीना मलिक, ये एक चेतावनी थी। तो जो कहा है वो करो और किस्सा जल्दी खत्म करो। हाथ पैर चलाओ, टाइम बहुत कम है। 8 घंटे थे तुम्हारे पास, उसमें से 1 घंटा तो बर्बाद कर चुके। अब तुम्हारे पास तुम्हारी पुष्पा सिंह को बचाने के लिए सिर्फ 7 घंटे बचे हैं, सो मूव फास्ट। पुष्पा जी, संतोष जी, माँ, पुष्पा जी ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, आगे पता नहीं माँ। जल्दी आइए, बताइए क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, वो आदमी बहुत स्मार्ट है, उसने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की है, फ्रीक्वेंसी पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो आप वो फोन दिखाइए जिससे वो आपसे बात करा था। ये रहा, चेक कीजिए। मैडम सर। हाँ पुष्पा जी। अभी तो कार फटी, अगला नंबर अगर हमारा हुआ तो हम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते। पुष्पा जी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आपको, हम सब है ना यहाँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, फटेंगे तो ये सब फटेंगे माँ। बिल्लू तुम चुप रहो। पुष्पा जी आप क्यों इतना घबरा रही हैं? याद है ना आपको पंडित जी ने आपका कुंडली देख के क्या कहा था? क्या कहा था? कॉकरोच प्रजाति का राशि है आपका, सब खत्म हो जाएंगे लेकिन आप डटी रहेंगे। अम्मा पुष्पा सिंह है, आप किस बात से डर रही हैं? आप ये बम आप गोलगप्पे में डाल के सौंठ के पानी के साथ पी जाती हैं, समझ लिए आप हमारी बात को? और हम खड़े हैं ना आपके साथ खड़े हैं हम, आप मैं आपके साथ। और अभी हमें लल्ला को भी तो जवाब देना ना चाहिए, आपको पता है ना, आपको थोड़ा सा भी कुछ होता तो लल्ला कितना परेशान हो जाते हैं, हाँ कितना प्यार करते हैं आपसे, आप काहे डर रही हैं? हम खड़े हैं आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे। ये क्या कर रही हैं आप? जाइए हमसे, दूर जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो आप रोना बंद कीजिए। पुष्पा जी को पानी का टैकारा, जाइए संभालिए सिचुएशन को, जाइए बात करिए उनसे। आपको कुछ पता चला? मैडम सर बहुत स्मार्ट है ये लोग, इन्होंने कॉल्स को इंटरनेट के जरिए ट्रांसमिट किया है। ओके, हाँ, जिससे अभी कॉल्स जो है वो बाउंस हो रहे हैं और 10 अलग अलग लोकेशन बता रहे हैं।
ऐसे साइट को ना मैडम सर हैक करके ब्लॉक करना पड़ता है, जो मैंने कर लिया है। ओके गुड। हाँ लेकिन अब तक कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली है। कुछ तो होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है। जी मैडम सर, लेकिन एक बात पक्की है कि वो जो फ्रिक्वेंसी यूज कर रहा है वो यहाँ 500 मीटर की दूरी पर ही है, मतलब वो यहीं कहीं आसपास है। यहीं कहीं आसपास है, इसका मतलब उसे पकड़ना बहुत आसान होना चाहिए। मैडम सर आप चिंता मत कीजिए, सारा इलाका उधेड़ देंगे। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज ऐसा करने की बेवकूफी मत कीजिएगा, क्योंकि बॉम्ब का रिमोट उसके हाथ में, एक मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्लू जल्दी इधर आओ, जल्दी। एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स है, भरी हो खाली हो जो कुछ भी हो, वहां जाओ, एक एक कोना कोना अच्छे से चेक करो। ये काम सबसे अच्छे तरीके से तुम कर सकते हो। जाओ 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 बिल्लू के लिए मां। ओके जाओ बिल्लू जाओ। ओके करिश्मा सिंह, हमें डीएसपी सर के साथ मंत्री जी से मिलने जाना होगा। हमें कोशिश करनी होगी, हमें उसे निकालना होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। देखिए जब तक हम जा रहे हैं करिश्मा सिंह आप इंचार्ज हैं, जो भी कीजिए शांत दिमाग से कीजिए, आपकी एक छोटी सी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है। आप समझिए शांति से। ओके एवरीवन बी अलर्ट। मैडम जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाके देखो। कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। संतोष जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है। थैंक गॉड पुष्पा जी का फोन बन नहीं है, उनकी सारी मूवमेंट ट्रैक हो पा रही है। तो करो ना जल्दी, अच्छे से करो ना, बताओ कहाँ से ले जाया गया है पुष्पा जी को। जी जी। अब मैडम पुष्पा जी को 3 बजे किडनैप किया गया था और ठीक 1 घंटे के बाद कुछ आधे 1 घंटे के लिए विनोद इंडस्ट्रियल एरिया में रखा गया था। संतु मतलब पुष्पा जी को विनोद इंडस्ट्रियल एरिया में ही बांधा गया था। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से यस। बहुत बढ़िया, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं अपडेट करो। हाँ जी चलो, तुम हमारे साथ चलो। रहने दो बड़े भैया, हम आपको मत करो कुछ, ये मत करो। हमारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, हमारे दिल में दर्द हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पंप फटने से पहले हमारा हार्ट फेल ना हो जाए। ये बम की जो टिक टिक है ना, मौत के नगाड़े जैसे हमारे कानों में बज रही है चीते। आपको हमारा उस सूरज दोस्त याद है? अब ये कौन है? इसका आटा चक्की है। पता है क्या कह रहा था पुष्पा जी? तुम्हारे थाना की हेड कांस्टेबल पुष्पा जी का गजब की लगती है यार। सच में? कसम से। जानती है करिश्मा मैडम के बारे में क्या बोल रहा था? क्या कह रहा था? कि करिश्मा मैडम उनकी सास और पुष्पा जी करिश्मा मैडम की बहू लगती है। ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं चीते, हम लगते ही नहीं ना इतनी उम्र के। पुष्पा जी आज हमारा भ्रम टूट गया। हमको लगता था ना कि भगवान के सबसे पसंदीदा बच्चे हम हैं, लेकिन ना, भगवान का आप पर विशेष ध्यान है। मतलब 21 साल का नाजुक बाली उम्र जो आप पर ठहरा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा। एक बार सब ठीक हो जाए ना, आपके लिए फ्रॉक खरीदने चलेंगे हम। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है चीते। जल्दी करो ना बड़े भैया। धन्यवाद। हाँ संतु सुनो, हमने यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज से 3 से 4 के बीच का सीसीटीवी फुटेज तुमको मेल करवाया, उसको चेक करो और अच्छे से देखो, कुछ लीड मिलता है तो तुमको तुरंत हमको फोन करके बताओ। हाँ जी जी। अब आलिया करिश्मा मैडम ने मेल भेजा है, वो सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए और बताइए वहां से कोई वैन पास हुई कि नहीं। जी मैम। मैडम मैडम ये देखिए, यहीं से एक वैन अंदर गई और ठीक आधे घंटे बाद वैन वापस बाहर आई और वैन में काफी लोग भी बैठे हैं। एक सेकंड, तुम फिर से फुटेज देखो और ये मुझे बताओ कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल एरिया में वो वैन और कौन कौन सी जगह गई थी। मैडम पुष्पा मैडम, पुष्पा जी एक मिनट, जूम करो। पॉज पॉज। त्रिदेव,
करिश्मा मैडम। संतू, हाँ संतू, कोई लीड मिला? इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्थ साइड पे लेफ्ट में एक बोर्ड रहेगा, वो त्रिदेव लिखा हुआ, वहां से पुष्पा जी को किडनैप करके ले गए थे। बहुत बढ़िया संतू, आगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ना तुरंत अपडेट करो हमें संतू। हाँ जी 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 मैडम, चलो। हेलो जी, तो हमारा पुष्पा जी से बात करो जल्दी। ठीक है मैडम। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम बात कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। पुष्पा जी, हम बोल रहे हैं आपकी भाऊरानी, और हमने आपको ये बोलने के लिए फोन किया है कि आपको बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये सारा टंटा जो है ना हम आज ही खत्म कर देंगे, समझिए हमारी बात को। और एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया इधर से उधर हो सकता है लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे हम। अभी इस जन्म का प्रतिशोध खत्म नहीं हुआ है हमारा, अभी बहुत तंग करना है हमें आप, बहुत झगड़ा करना है हमें आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम, ठीक है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम तुरंत ये सारा काम खत्म करके तुरंत आपके पास लौटें। जल्दी आना। हाँ रखते हैं, अभी पहुंचते। चलो चलो चलो। सर ये हसीना मलिक है, हमारे डिपार्टमेंट की बहुत ही निष्ठावान महिला पुलिस अधिकारी। सर इन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किया है, आज इनके टीम मेंबर की जान खतरे में है सर। तो हमारा कर्तव्य बनता है सर कि उनकी जान बचाई जाए और उनकी मदद की जाए सर। तो आप चाहते क्या है? मैं उन आतंकवादियों को चार्टर्ड प्लेन देकर उनका धन्यवाद करूं और खुद उन्हें फूल मालाएं पहनाकर एयरपोर्ट छोड़कर आऊं? हुँ? ऐसी बात नहीं है सर। डीएसपी साहब, इलेक्शन सर पर हैं, मैं एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा हूं, अपोजिशन नजरें गड़ाए हुए है, जरा सी भी चूक हुई ना कि इलेक्शन से बाहर हुआ। आप स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं ना? ऐसे संवेदनशील माहौल में आप हमें झंझट में घसीट रहे हैं। सर देखिए, प्लीज प्लीज, ये कोई झंझट नहीं है, हम बस आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए आप नदीम को हमारे हवाले कर दीजिए, ताकि हमें उस अबू नाम के आतंकवादी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टाइम मिले। उस टाइम में हम उसे जाकर पकड़ लेंगे, हमारी टीम पहुंच जाएगी, और जैसे ही अबू हमारे हाथ लगेगा, हम आपसे वादा करते हैं कि अबू और नदीम दोनों जेल के अंदर होंगे। सर सर, हम गारंटी लेते हैं सर, ये जो कहती है ना सर वो करती है। ये संभव नहीं है S.H.O हसीना मलिक, खासकर इस चुनाव के माहौल में हम आपकी मदद करके अपनी कुर्सी खतरे में नहीं डाल सकते। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये कुर्सी तो क्या, जब बात सुरक्षा की आती है ना तो आपको अपने घर की सुरक्षा के लिए भी इस वर्दी को याद करना पड़ता है। आप, आपके घर वाले, आपके घर का पालतू कुत्ता इसलिए चैन से सो पाते हैं क्योंकि हम बाहर खड़े होते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। यही है वो वर्दी सर, जिसकी फिलहाल आपको बिल्कुल कोई इज्जत नहीं है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जो वर्दी पूरे समाज की सुरक्षा करती है वो खुद की हिफाजत तो कर ही सकती है। अब भी उतना दम है हमें सर, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ मैनेज। क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है ना? हाँ कियारा, हम बिल्कुल ठीक है, हम बस सोच रहे हैं कि बेबसी कितनी अजीब चीज है, गलत को सही करने के लिए कभी कभी खुद भी गलत होना पड़ता है। मैडम हम कुछ समझे नहीं। हमारे अब्बा फोर्स में थे, कांस्टेबल थे, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब हमने उनसे कहा कि हम भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तब उन्होंने हमसे एक बात कही थी, इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, जान जाए तो जाए पर सच पर कभी आँच ना आए, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हमने आज तक कभी अब्बू की ये बात नहीं भूली, इतनी मुश्किलें आई, इतना कुछ हुआ, पर हम डटे रहे, अड़े रहे, हमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन आज, आज हमें सही का साथ देने के लिए गलत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, झूठ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जानती हो वो मंत्री, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, कोई, उसे सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हम अपने आंखों के सामने एक निर्दोष की जान जाते हुए नहीं देख सकते, भले ही उसके लिए हमें एक मुजरिम के सामने अपने घुटने क्यों ना टेकने पड़े। हम करेंगे लेकिन अपने फर्ज से समझौता कभी नहीं करेंगे। तुम भी ये सच्चाई जान लो, इस वर्दी के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है,
बहुत समझौते करने पड़ते हैं, खुद को त्यागना पड़ता है, खुद को दांव पर लगाना पड़ता है, और फिर भी बदले में कुछ नहीं मिलता। हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे। इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्थ साइड पे लेफ्ट में एक बोर्ड रहा है, त्रिदेव लिखा हुआ, वहां से पुष्पा जी को किडनैप करके ले गए थे। उतरो उतरो उतरो। मैडम सर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार मंत्री के बेटे का। शिव इलेक्ट्रिक शॉप, गोमती नगर। चलो। पक्का मैडम जी, आपको ये सब करना है? सोच लीजिए, आपकी नौकरी भी जा सकती है और मेरी भी। मानते हैं कि पुष्पा जी आपके लिए बहुत। पुष्पा जी के अलावा ये अगर किसी और के साथ भी हुआ था तब भी हम यही करते। हम पुलिस वाले हैं कियारा, हमारे लिए इंसान मायने रखता है और हर जान बेशकीमती है। हेलो मैडम सर, हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे पुष्पा जी को बम बांध के रखा था। यहाँ पे हमें बम बनाने का सामान मिला और किसी गाड़ी का हेडलाइट मिला है। क्या करना है मैडम सर? सारे एविडेंस के फोटोग्राफ्स लेकर संतोष शर्मा को भेज दीजिए और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि वो हेडलाइट के टुकड़े कौन सी गाड़ी के हो सकते हैं। जी जी मैडम सर। मैडम सर, मंत्री जी से बात हुआ आपका, वो नदीम को छोड़ देंगे ना? उनका कहना है कि इलेक्शन सर पर है, वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। आप बात करिए मैडम सर, तो फिर अब हम आपका तरीका इस्तेमाल करेंगे। करिश्मा सिंह, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं मैडम सर, हम कुछ समझे नहीं। करिश्मा सिंह, मंत्री जी को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि हर जान बेशकीमती है, फिर वो जान चाहे एक पुलिस वाले की हो या खुद उनके बेटे की। जा 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 जा। लाओ चाय दो। अरे दोनों चाय। एक बलवा। हाँ। अरे चाय देना है। दे 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 चाय दे। नहीं नहीं, कहीं फट गया तो? अरे स्पेशल दूध की चाय, ऐसी कैसे फटेगी? वो नहीं, बम फट गया तो हमारी तो शादी भी नहीं हुई, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। छोटा कैसा चूहा जैसा छोटा डरपोक दिल लेके तुम लोग जिंदा हो बे। अरे बमुआ को फटने में अभी बहुत टाइम है। अरे मर्द बनो, शूरवीर बनो, अपने अंदर का जो मर्दानापन है उसको जिंदा रखो। सुबह से 15-20 बार जा चुके हैं उनके पास, और अगर अभी से कायर बने तो जिंदगी कैसे जिएगा जी तुम लोग? जिंदगी अपने आप में एक जंग है, रणभूमि है जिंदगी, और जिंदगी जीता है योद्धा। देख कैसे जाते हैं अंदर, चाय दे। पुष्पा जी, आपका योद्धा आ रहा आपकी तरफ। अरे ओ शूरवीर योद्धा मर्द, ये हमारा फोन का अलार्म बजा, वो दवाई लेने के लिए लगाना पड़ता है ना। अरे हमारे तो भाग्य फूट गया, हमारी बहू रानी कब हमें याद दिलाती है। पुष्पा जी हमारा तो ठीक है, ये भी रणभूमि का खिलाड़ी लगता है। काजी बम स्क्वाड वाला भैया इधर आइए, इधर आइए। कहाँ कहाँ बिल में घुस गए? ठीक बम डिफ्यूज कीजिए यार। हम डरे नहीं थे पुष्पा जी, बीच में सामने से मधुमक्खी आ रही थी तो बैलेंस बिगड़ गया था हमारा। बहुत बहुत बढ़िया मैडम सर, ये हमारे स्वाद का काम है और हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम पकड़ के लाते उस मंत्री की औलाद को। नहीं करिश्मा सिंह, उतना वक्त नहीं हमारे पास, और अब तो ये काम हम ही करेंगे। आप मैडम सर? क्यों नहीं, याद है ना बचपन में हमारे लिए क्या कहा जाता था,
बड़े बड़ों को आ जाए पसीना जब अपनी पर आ जाए हसीना। एग्जैक्टली और हसीना अब अपनी पर आ गई है। जी मैडम सर, रखते हैं। पुष्पा जी। सर तुझे इस तरह से बम है, उधर उधर बम है, बम है, उधर बम है। पुष्पा जी, हमें वो लोकेशन मिल गई है जहाँ पे आपको किडनैप किया गया था और आपके बॉडी पे बॉम्ब फिक्स किया गया था। आपके आंखों पे पट्टी बंधी थी, है ना, लेकिन कान खुले थे तो कान से आप सुन सकती थी। आपने कुछ भी ऐसा सुना जिससे हमें कोई लीड मिल जाए कि वो कहाँ है एग्जैक्टली? अभी याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, हमें याद आ रहा है, हम वो जज्जू के यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए बस पहुंचे ही थे, वैन आ गई, उन्होंने हमें खींच लिया वैन में। एक मिनट पुष्पा जी। गजब। हेलो अबू, नाम तो सुना ही होगा, हम वही है जिसने आप सबको ओवर टाइम पे लगा रखा है। हमने आपको ये बोलने के लिए फोन किया था कि आपकी जो पुष्पा जी है ना, उनको अच्छे से समझा दीजिए कि अपना मुंह ना खोले। अगर उन्होंने गलती से भी अपना मुंह खोला तो गलती से हमारे हाथ में जो रिमोट है ना उसका बटन दब जाएगा और उनका मुंह है ना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इतना बड़ा प्लान करने वाला कोई अहमक बैठा है या? पूरी की पूरी तैयारी करके मैदान में खड़ा हूं मैं। हमने ना तुम्हारी जो पुष्पा जी उनके कपड़ों पे एक छोटा सा माइक फिट किया है, वहां कोई सांस भी लेता है ना तो हमें यहां सुनाई देती है। क्या पुष्पा जी के बॉडी में माइक फिट है? हेलो 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 हेलो, अगर माइक हटाने जैसा कोई बचकाना ख्याल तुम्हारे जहन में आ रहा है ना तो उसे निकाल फेंको फौरन। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम समझ गए कि अब पुष्पा जी के बॉडी पर माइक फिट है, अगर हमने निकालने की कोशिश की तो पुष्पा जी की जान ले लेंगे। आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। हम अब तुम हमें वहाँ की ताज़ा हालात बताओगी, वहाँ क्या चल रहा है और हमारे नदीम भाई जेल से कब बाहर आएंगे, सब कुछ। देखिए मैडम सर, इसी चीज के पीछे लगी हुई है, वो पूरी कोशिश करिए कि आपका आदमी बाहर आ जाए। आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप प्लीज। पुष्पा जी कुछ बताना चाहती है, कोई ऐसा आइडिया निकालो कि पुष्पा जी की बात हम तक पहुंचे और उन्हें भनक तक ना पहुंचे। ठीक है, सोचो। उठा के बोल दो कि तुम बिजी हो, बाद में फोन करूंगी। हेलो, क्या क्या हुआ मेरे को? हार्ट अटैक? हम अभी आते हॉस्पिटल। क्या हुआ लिया? मैम हमें जाना होगा। क्या क्या हुआ? क्या हमारी सास हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कैसे? वो ठीक है अभी? अभी स्टेबल है, पर मुझे जाना पड़ेगा, मेरे परिवार को जरूरत है। आलिया, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तुम्हारे रिश्ते को या तुम्हारे फ़र्ज को, क्योंकि जान सबकी बराबर होती है आलिया, और माँ तो माँ होती है। क्या हुआ मिस हसीना मलिक, गाड़ी को क्यों रोका? डेट पर जाना है तुम्हारे साथ। वाओ, वैसे आप जैसी खूबसूरत ऑफिसर लेडी के साथ कौन डेट पर नहीं जाना चाहेगा? हाँ, लेकिन ये डेट थोड़ी सी अलग है। चलोगे? की बॉडी पे माइक लगा है, धीरे बोलो। ओके। मुझे बोलो, धीरे बोलो। 500 मीटर के रेडियस में मैंने बिल्डिंग, मोहल्ला, दुकान सब जान लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कहाँ है ये अबू? ये क्या? नहीं, मैं एटीएम नहीं गया था। मिलो जी, पुष्पा जी
को जिसने किडनैप किया था या जो आदमी उनके साथ था वो लास्ट एटीएम गया था। अच्छा संतु जी, संतु, वाह क्या बात है, इतनी बार डेट पर गया हूं बट पहली बार इतनी डेस्परेट लड़की को देखा है। बकवास बंद करो और अपने पिताजी को फोन लगाओ, कहो कि तुम्हें किडनैप किया जा रहा है और अगर तुम्हारी सलामती चाहते हैं तो चुपचाप नदीम को हमारे हवाले कर दे। नदीम वो टेररिस्ट? हाँ। पर आप टेररिस्ट को क्यों छुड़वाना चाहती है, आप तो खुद पुलिस में हो ना। क्या करें, कभी कभी किसी एक की जान को बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में डालना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो, और इसलिए मजबूरन हमें तुम्हारे साथ ये करना पड़ रहा है। वाह क्या बात है, आप तो रियल हीरो निकली। चलो कोई तो खड़ा हुआ मेरे डैड के करप्शन के अगेंस्ट। मैं जानता हूँ मेरे डैड कैसे हैं। डोंट वरी, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, आप जैसा बोलोगे ना वैसा मैं करूंगा। एक मिनट, मैं अभी डैड को फोन करता हूँ। राइट, मैं किडनैप हो गया हूँ। या डैड, मैं इनके कब्जे में हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप उस टेररिस्ट को, क्या नाम है उसका, हाँ हाँ नदीम, आप उसको छोड़ दीजिए और ये मुझे छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है, हमारा सबूत, उसका किडनैप हो गया। यस डैड। मैडम क्या है, अगर ये ऐसे बात करेगा ना तो इसका बाप पांच का फटा नोट तक नहीं देगा इसको। शांत हो जाओ। तो क्या मैं रोज रोज किडनैप होता हूँ क्या? मिस क्यारा पवार, आप ही बताइए। हमारा रोज का है क्या, तेरे जैसे नमूनों को किडनैप करना? माइंड योर लैंग्वेज। चल हट यहाँ से, लैंग्वेज सिखाने है, खुद तो बात करने की तमीज नहीं है, धतूरा कहीं का। एक मिनट, हम कुछ करते हैं, अब देखिए। गुड गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। अरे किडनैप हुआ है मेरा डैड, आप सुन रहे ना, किडनैप। हेलो, हम S.H.O हसीना मलिक बोल रहे हैं, हम ही आपके बेटे को किडनैप किया है। क्या? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, अगर तुम अपने बेटे की सही सलामती चाहते हो तो चुपचाप नदीम को हमारे हवाले कर दो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो हसीना मलिक। हम बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो आपको करना चाहिए था हमारे लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें करना पड़ रहा है, और इसमें कुछ सही और कुछ गलत नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें हसीना मलिक, अभी हमारे तत्काल आदेश पर पूरे शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे होगी, देख लो तुम। सुनो, ऐसे आवाज करो जैसे हम तुम्हें पीट रहे हैं, चीखो चिल्लाओ, ओके? डैड, डैड मुझे बचाओ, डैड, डैड मुझे मार रहे हैं, डैड, डैड, डैड मुझे बचाओ, डैड, डैड मार रहे हैं मुझे, डैड, डैड मुझे पीट रहे हैं। इतनी गंदी एक्टिंग करोगे तो कैसे उन्हें यकीन होगा कि तुम सच में मार खा रहे हो? थोड़ा ओरिजिनल करो, नेचुरल करो थोड़ा। मैं वेरिएशन देता हूँ, आप बताना कौन सा ठीक है। ऑलराइट, आप करके दिखाओ। डैड मुझे बचाओ, डैड, डैड मुझे मारने लग रहे, डैड मुझे बचा लो, मुझे डैड मुझे बचा लो, डैड। क्या कब्जियत पकड़ लिया इसको, ढंग से एक्टिंग करने भी नहीं आता। कुछ और, कोई और वेरिएशन दिखाओ। डैड, 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 डैड मुझे बचा लो, डैड, डैड। मैडम सर अब करेगा ये एक्टिंग। डैड, डैड मुझे बचा लीजिए, डैड, डैड मुझे मारने लगे, डैड, डैड मुझे गोली मार दी, डैड, डैड मुझे बचाइए, डैड, डैड मैं बेहोश हो रहा हूँ, डैड मुझे बचा लीजिए, डैड, डैड प्लीज मुझे बचाइए, डैड। हसीना मलिक को फोन दो, जल्दी, जल्दी अपना। बोलिए। ठीक, मुझे मंजूर है, नदीम तुम्हें मिल जाएगा एक घंटे के अंदर अंदर। हाँ हाँ, एक घंटे के अंदर अंदर नदीम तुम्हारे हवाले हुआ। पुष्पा जी ने स्लेट में तीन शब्द लिखे थे कि वो एटीएम गया था। That means, पुष्पा जी के बॉडी में जब बॉम्ब बांधा जा रहा था तब उस आधे घंटे में वहीं के किसी आसपास के एटीएम में कोई गया था।
आदमी 10 मिनट में लौट आया, मतलब यही है वो आदमी जो एटीएम गया था। अब ये पता करो कि इस एरिया में आसपास में 10 मिनट की दूरी पे और कितने एटीएम्स हैं। जल्दी 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 आलिया, कम ऑन। मैडम सिर्फ एक ही है 300 मीटर की दूरी पे। वेरी गुड। सीएलपीसी बैंक, मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, साइबर एक्सपर्ट, महिला थाना जनपद लखनऊ से बोल रही हूँ। ये आपका जो एटीएम है विनोद इंडस्ट्रियल स्टेट में, हमें उसका आज का 2 से 3 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज देखना है। प्लीज जितना जल्दी हो सकता है वो सीसीटीवी फुटेज हमें भेजिए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ आपके इस सहयोग का हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। संतोष जी, ये उस गाड़ी का हेडलाइट फुटेज आ गया। जय हिंद मैडम सर, किडनैपर की पहचान हो गई है मैडम सर, सीसीटीवी फुटेज में एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। वेरी गुड संतोष शर्मा, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब जल्दी से इस आदमी की पूरी हिस्ट्री निकालिए और हमें इन्फॉर्म करिए। जी मैडम सर। और नदीम का क्या हुआ? हमारे पास 40 मिनट रह गए। नदीम को हम साथ ला रहे, पुष्पा जी को हम कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मैडम सर, मैं जानती हूँ आपके होते हुए पुष्पा जी को कुछ नहीं हो सकता। हम बस पहुँच ही रहे। जय हिंद। जय हिंद। जल्दी जल्दी चलाइए। अभी सिर्फ 20 मिनट बचे हैं जीते। अब हमको नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अब हमारा फटना तय है। पुष्पा जी, आप ऐसे काहे बोल रही हैं? पुष्पा जी, किडनैपर बोला था ना कि आप बोलेंगे तो बम फोड़ देगा वो। वैसे भी हमारी मौत नजदीक है, तुम कागज पेन लेकर आओ, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कुछ लिखवाना है ना। पुष्पा जी, कितना बड़ा दिल है रे पुष्पा जी का ना, मतलब अपने आखिरी समय में अपना जिंदगी का पूरा जायदाद, धन दौलत, सब कुछ हमारे नाम करने के लिए कागज और पेन मांग रही है। चीते उस नहीं तो नवाब साहब को खत लिखना है। चीते जाओ ना, जल्दी कागज पेन लेकर आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। हमने जहाँ जहाँ बचत निवेश किए हैं हमें सब लिखवाना है। अच्छा, अरे पुष्पा जी कहाँ, आजकल मोबाइल के जमाना में आप भी कागज कलम ढूंढ रही है। आपको जो कुछ भी बोलना है ना आप बोलिए, हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोलिए। हमने गोमती नगर में 2 प्लॉट लेके रखे हैं जिनकी किस्तें अभी चल रही हैं। मोहल्ले में 50,000 की बीसी भी है भावना भाभी की। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सारा निवेश है हमारे जाने के बाद सब कुछ आपके लल्ला को मिले। नहीं, करिश्मा जी को मिले। मैडम सर हमें बचाइए। मैडम सर, फोन बजा है। अबू, हम नदीम को ले आए हैं। खूब, बहुत खूब। हमें पता था, हम जानते थे अगर ये काम कोई कर सकता था वो तुम थी हसीना मलिक। मुद्दे पर आओ, बताओ आगे क्या करना है। नदीम भाई से कहिए कि पुष्पा जी की जेब में ना एक कागज है, वो कागज ले और उस पे दिए गए पते पर पहुंच जाए। और हाँ सीना जी, 15 मिनट तक वहां से कोई भी नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला तो आप जानती है। ठीक है, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे। ओके। ये कहाँ है मैडम सर? हथकड़ी खोलो, फोन दो। ये लो।
मैडम सर वो तो चला गया। ये हमने तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर दी है, अब जल्दी से बॉम्ब डिफ्यूज करो और आजाद करो हमें सबसे। तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ मैडम सर? मैडम सर क्या हुआ? मैडम सर, मैडम सर क्या हुआ? उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। तुम क्या पूरा जिंदगी लगा दोगे यहाँ पे? हाँ, बॉम्ब फटने में अभी बहुत कम समय बचा है, हमें ही कुछ करना होगा वरना सबकी जान चली जाएगी। सब लोग पीछे हो जाइए वरना हम अपने आप को मार देंगे। पुष्पा जी नहीं, पुष्पा जी क्या कर रही है? वही करें जो हमें अभी इस वक्त करना चाहिए, पीछे हो जाइए सब लोग। एक मिनट पुष्पा जी, बेवकूफी मत कीजिए, गन हमें दे दी। मैडम सर हम कह रहे हैं आप पीछे हो जाइए, हम अपने आप को मार देंगे। ओके ठीक है, आपको मार देंगे, सब पीछे हो जाइए। पुष्पा जी क्या कर रही है? गन है उसमें, गोली चल जाएगा। बस दो ही मिनट बचे अभी, वैसे तो हम मरने वाले हैं ही, मगर मरने से पहले हमारी बहू रानी से कुछ कहना चाहते। हमारा लल्ला आपसे बहुत प्यार करता है और हम हमारे लल्ला से उसे बहुत प्यार दीजिएगा। और ये क्या इतनी पतली है आप? हमारा वंश भी तो आगे बढ़ाना है ना आपको। हाँ, 2 साल में 2 बच्चे चाहिए, एक लड़का एक लड़की। हाँ कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। अब गन दीजिए हमें, गन दीजिए। हो जाइए, मत कीजिए ऐसे पुष्पा जी, बंदूक नीचे रख दीजिए पुष्पा जी। और हाँ, हमारे पोते पोतियों को हमारी कहानी जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा कि उनकी दादी कितनी हिम्मत वाली थी, पुलिस वाली बनना चाहती थी और बन के दिखाया। हालात चाहे जैसे भी हो, अपनी वर्दी पर कभी आंच नहीं आने दी। बस एक बात का गम रह गया, जीती जी एक केस सुलझाना चाहती थी, वो नहीं सुलझा पाई। पुष्पा जी बहुत हो गया अभी आपका, बहुत हो गया सच्ची। आप पीछे हमें गन दी, पीछे हो जाइए सब लोग पीछे हो जाइए, मजाक में मत लीजिएगा हमें। और हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि ऐसे ही किसी राह चलते आतंकवादी के हाथों नहीं मरी तुम्हारी दादी, अपनी मौत मरी, अपने हाथों से मरी। हमारे पोते को ना आप बिल्कुल हमारी तरह बनाइएगा, मगर हमारी पोती को आपकी तरह बनाएगी, एकदम निडर, पक्के इरादों वाली और बिल्कुल ईमानदार आपकी तरह। वैसे जाने की उम्र तो है नहीं हमारी, नहीं अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, मगर जाना तो पड़ेगा। नहीं पुष्पा जी, और हाँ मैडम सर को कभी अकेले मत छोड़ना। पुष्पा जी अगर आपने कुछ भी, संतोष शर्मा वो जो गाड़ी, सुनिए हमारी बात, वो जो गाड़ी का हेडलाइट था उसके बारे में पता लगाने को कहा था, क्या हुआ? मैडम सर हेडलाइट जो है किसी सिल्वर कलर की गाड़ी का था और एसयूवी गाड़ी है और हेडलाइट एकदम ठीक है, कुछ नहीं है। तो अगर ठीक थी तो फिर गाड़ी से निकाली क्यों? एक मिनट संतोष शर्मा सिचुएशन संभालिए। तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है। नहीं पुष्पा जी छोड़ दीजिए। देखिए बचकाना हरकत कर रही है ना, काहे कर रही है आप ऐसा, कहाँ मिलेगा ये सब करके? मैडम सर ये जो कार है ना, मतलब मेरे खबरी एसोसिएशन, हाँ उनके तरफ से खबर आई है कि इसका ओनर है ना 106 में अभी अभी शिफ्ट हुआ है। 106? ओके कहाँ है 106? इधर बगल में। चलो चलो चलो। मैडम सर ये रहा 106 नंबर रूम, इनका सेटअप। एक मिनट,
क्या किया है ये एसी के थ्रू हमें देख रहे थे। फोन खुला मतलब ये एसी फोन से हमसे कनेक्टेड थे बिल्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। मैडम सर इस पे कुछ लिखा हुआ है। क्या मतलब इसके पहले वाले पेज पे कुछ लिखा होगा तो वो छप गया है। ओके ओके ठीक है। रिमोट, बम का रिमोट, चलो 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 चलो, हमारी वजह से सब लोग मर जाएंगे। नहीं पुष्पा जी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। हम सब लोग ठीक है मैडम सर। पुष्पा जी ठीक है। पुष्पा जी, पुष्पा जी अब ठीक है पुष्पा जी? हम ठीक है। ओके टीम, अब वक्त आ गया अबू को पकड़ने का। इस पेज के पहले वाले पेज पर कुछ लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा क्या। 7 PM अंबेडकर रोड। एक तो देश से कत्तारी करते को, ऊपर से पंगा भी किससे लिया, हमारी सासू मैया से। हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? हाँ उनको हम भगवान की तरह पूछते, भगवान की तरह तुमने उनके साथ ऐसा किया, बम से उड़ाने का प्रयास किया तुम्हारी तो। मर जाने दो, अगर मर जाएगा तो मारेंगे हम इसको, इसलिए आपको मारने का प्रयास किया था। समझ लो इसकी कुंडली पे हम बैठे, हर जन्म ही हमसे भरेगा। हमें मत पकड़िए पुष्पा जी। आप शांत हो जाइए। नहीं आगे आपको हमारी कसम है। मैडम मैडम प्लीज मैडम प्लीज मैडम, देखिए हम पुलिस है, हमारा काम सजा देना नहीं है, कानून का काम है, कानून को अपना काम करने दो। अब कुछ मत कीजिए, अब शांत हो जाइए। जीते जीते उसको थाने लेके चलिए। नहीं वो थाना नहीं जाएगा, उसका साथी नहीं आया अभी तक, उसके साथी को साथ लेकर जाएंगे हम। मैडम सर, हाँ मैडम सर, एटीएम के फुटेज से हमें जो फोटो मिली थी ना, उसे मैंने अपने सॉफ्टवेयर पे डाली थी। अब सॉफ्टवेयर ने उस फोटो से रिलेटेड जितनी भी सोशल साइट है सबको स्कैन किया और हमें ये प्रोफाइल मिली है। ओके ये देखिए। अब्बास शेख जी। मैडम सर पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, शायद किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा। ठीक है एक काम करो, उसका नंबर निकालने की कोशिश करो और देखो क्या पता चलता है, एड्रेस भी निकालो। आना दूसरे लैपटॉप से तुम उसकी आईडी फाइंड आउट करो। अब मिल गया मैडम सर, अब्बास के आईडी से 4 नंबर अटैच्ड है मैडम सर, लेकिन वो इस वक्त कौन सा नंबर यूज कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज चेक करो। एड्रेस मिला
मैम हम कोशिश तो कर रहे हैं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत जल्दबाजी में। एक मिनट, मतलब क्या तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? आना तुम पुलिस फोर्स में हो, तुम्हें पता है एक एक सेकंड की क्या कीमत है? एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, नेशनल सिक्योरिटी पर बात आ सकती है। हर पॉसिबिलिटी पे, हर सिचुएशन पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आंखें और कान हमेशा खुले होने चाहिए। कैसे होगा नहीं, करना ही है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। पर मैम हम कैसे करें? हमें आरना, हमारे पास उसकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल है, उसकी फ्रेंड्स लिस्ट चेक करो, हर एक को मैसेज करो, मदद मांगो, आई एम श्योर कोई ना कोई डेफिनेटली रिवर्ट करेगा। और आरना प्लीज वेट मत करो कि सामने से कोई तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें खुद को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्स बिना इंटेलिजेंस के नहीं चलती, क्लियर? यस मैम। The number you have dialed is currently switched off. The number you have dialed is currently switched off. Santosh Sharma, kya hua? Madam sir, charo number switched off hai. Kya? To phir ab address dhoondne ki koshish kar rahi hu madam sir. Okay, good. Kuch mila hai na? Ma'am, ek profile to mila hai, but address कैसे ढूंढे? जल्दी करो संतोष। मिल गया मैडम सर। फैंटास्टिक, कहाँ है? इंजीनियर एनक्लेव, गोमती नगर, हाउस नंबर 65। गुड जॉब संतोष शर्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैडम मैंने किया क्या है? मैं अबू अरबाज का घर यही है जी। हाँ मैम, लेकिन कुआ के बात क्या है? आप पूरा घर चेक करें। हाँ करिश्मा सिंह। जयंत मैडम सर, मैडम सर नदीम पकड़ा गया है, हमारी हिरासत में है। क्या? ये बहुत अच्छी खबर है, और बहुत जल्द हम इस अब्बास को भी पकड़ ही लेंगे। लेकिन जब तक ये दोनों हमारी गिरफ्त में नहीं आते, आप अलर्ट रहिएगा। रखते हैं। कहाँ है अबू? मैम वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए। जी ना मैडम सर। ओके, देखो तुम झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाओ। संतोष शर्मा, पानी। थैंक यू मैडम। इनके लिए पानी। इनके लिए ले रही थी। क्या नाम है आपका? ये लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए, पीजिए पीजिए। अरबाज। ओके अरबाज, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई एक टेररिस्ट है? क्या बात कर रही मैडम आप? हाँ, और वह गैंग का मेंबर भी है। अभी अभी उसने हमारे टीम मेंबर की जान लेने की कोशिश की है, और उसने अपने गैंग के एक आदमी को बचाने के लिए एक बहुत घटिया साजिश भी रची है। इसलिए बताओ कि वो कहाँ है। अभी के अभी फोन लगाओ उसे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच्ड ऑफ है। मैं माफ है, पर क्या? मैं अपने भाई को और गुमराह नहीं होने दूंगा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी है उन पर, वो गलत कर रहे हैं ये। वो हम समझ गए। आप ये बताइए आपके भाई कहाँ है? गोमती नगर वाले कब्रिस्तान पर। वो हर सोमवार की सुबह अम्मी की कब्र पे वो वहीं जाते हैं अम्मी के लिए दुआएं मांगने। भाई आपको वहीं मिलेंगे। करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। तुम्हारा खेल अब खत्म अब्बू। रॉकी मार इसको। जाने दो मुझे, वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। पुष्पा जी बंदूक उठाइए, जल्दी बंदूक उठाइए और निशाने पर लगाइए। ये गलती मत करना, कल तो हमारे नदीम को तुमने पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। आज कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तुम्हारी टीम है ना देखती रह जाएगी।
काट दे गर्दन। एक मिनट रुको रुको। नहीं नहीं पुष्पा जी आप निशाना लगाइए और इसका खोपड़ा उड़ाइए, उड़ाइए इसका खोपड़ा। नहीं नहीं अगर अगर आपको कुछ हो गया तो वो कुछ हो जाएगा मतलब क्या? पुलिस का ट्रेनिंग लिया है ना आपने, इसका खोपड़ा पे निशाना लगा के उड़ा दीजिए, जिसको उड़ा दीजिए हमको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं आप नहीं निशाना लगा पाएंगे। अच्छा निशाना आप नहीं लगा पाएंगे पुष्पा जी, मोहल्ले के बच्चों के साथ तो एकदम सही निशाना लगाती है, अपने कंचे पे एकदम सीध का निशाना लगाती है, अभी निशाना नहीं लगा पाएंगी आप? नहीं एक मिनट मैडम, कंचा तो ऐसे खेलते हैं ना, अब पुष्पा जी गोली ढिसके ऐसे कैसे चला पाएंगी? नहीं सॉरी सॉरी हम निशाने का बात कर रहे हैं चीते, पुष्पा जी लगाइए निशाना और खोपड़ा उड़ाइए इसका। नहीं हम नहीं लगा पाएंगे, हम नहीं, हम चीते को देते चीते। नहीं, 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 चीते को नहीं, बम से उड़ाने का प्रयास किसको किया था? आपको किया था तो कौन मारेगा? आप मारेंगी, लगाइए निशाना। ए करिश्मा बहुत ज्यादा बोल रही है तू, काट दूंगा गर्दन मैं गर्दन काट दूंगा। निशाना लगाइए, निशाना लगाइए। शिव जी अरे मैं गर्दन काट दूंगा। मारिए मारिए अरे पैर पे नहीं खोपड़ा उड़ाइए पुष्पा जी। अबे साला एक अब कहाँ मार रही हैं, अब कहाँ मार रही हैं आप? और तुम लड्डू समझ लिए थे हमको, कोई भी आएगा और गप करके खा जाएगा? हाँ? बहुत मजबूत लोहा का चना है हम, इतना आसानी से चबने वाले नहीं है, समझो हमारी बात को। हाँ। तुम्हें तो बहुत पहले निपटा दिया होता। हाँ हाँ हम तो ये देखना चाहते थे कि स्थिति में आप क्या करती हैं। क्या देख लिया? क्या देख लिया? आप एक काम कीजिए ना, आप गोलगप्पा ही खाइए, क्योंकि गोलगप्पा खा खा के आप गोलगप्पा हो गई हैं, और घर जाके ना गोलगप्पा ही बनाना सीखे, ठीक है? आप लोग का सास बहू का रामायण खत्म हो गया तो चला जाए। हाँ चलो चलो। हम अच्छे से समझते हैं तुमने ये सब क्यों किया। तुमने किसी अपने को बचाने के लिए वो किया जो तुम्हें सही लगा, और आज हमने भी किसी अपने को बचाने के लिए वो सब किया जो हमें सही लगा, पर बस फर्क इतना है कि तुम किसी एक को बचाने के लिए सबकी जान लेने को तैयार थे, और यहाँ इस एक को बचाने के लिए हम सब अपनी जान देने को तैयार थे। एक और बात सुनो, बात अगर माफी की है तो हम हैं जज्बाती, लेकिन फाड़ के रख देंगे अगर दर्द में है साथी। ले जाओ इन्हें। चल। पुष्पा जी अब ठीक है? जी मैडम सर। अरे तुम तीनों कहाँ थे? मैम क्या है ये? मैम ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर है। मुझे नहीं लगता कि नौकरी कर पाऊंगी मैडम जी, या यू कहूँ तो ये नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं है। कहाँ से लाऊंगी इतना पेशेंस, इतना सब्र? क्या कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है? मुझसे नहीं हो पाएगा मैडम जी, मुझे माफ कीजिए। मैम हमसे भी नहीं हो पाएगा, वो कार ब्लास्ट के बाद हम समझ गए कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी इस नौकरी से मैच ही नहीं करती है। तो आप ही बताइए मैम कि मैं खुद से ऐसी बेईमानी कैसे कर सकती हूँ? सॉरी मैडम हमसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए जगह नहीं है। मैडम मैं तो पहले ही सॉरी बोलकर जाना चाहती थी, पर ये क्राइसिस देख के मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। ये सच है कि मैं उड़ना चाहती हूँ, पर ये आसमान मेरे लिए नहीं है, शायद मैं कोई और आसमान के लिए बनी। अब्दुल मेरे हस्बैंड जो मुझसे इतना प्यार करते, मेरे सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मैं कैसे गलत परवाज लेकर उसको गुमराह कर दूँ? आलिया सॉरी मैडम मैं नहीं कर पाऊंगी। बात वही जो दिल से निकले और जज्बात वही जो रूह से निकले, हम समझते हैं अच्छे से। इट्स ओके और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू मैडम। पर मैम आपके और आप सबके जज्बे के लिए इतना करना तो बनता है।
जय हिंद। कमाल का नौकरी है ना मैडम सर हमारा भी। जब हमें लगता है कि सब सही हो गया है, कि सॉल्व हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया, तभी किस्मत का पासा पलटता है और फिर से हम जीरो पर आ जाते हैं। डीएसपी सर का वो धमकी का तलवार अभी भी हमारे थाना पर है। उन्होंने कहा था कि अगर ये लड़कियां बैकआउट कर जाएंगी तो हमारे थाने पर कुछ भी सख्त कदम उठा सकते हैं। मैडम सर वो का सख्त कदम हो सकता है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो भी होगा साथ मिलकर निपट लेंगे। बिल्कुल मैडम सर। अब देखते हैं क्या सख्त कदम उठाता है डिपार्टमेंट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.